हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू टिक्की चाट, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके लिए हम एक कटोरी सफ़ेद वाली मटर लेते हैं। मटर को हम रात भर के लिए भिंगो के रख देंगे और उसे हम अच्छे से धो के कुकर में बॉयल होने के लिए रख देंगे। और उसमें बॉयल होते वक्त ही हम उसमें थोड़ा सा नमक और पानी डालेंगे और उसमें कोई भी मसाला नहीं डालेंगे। बस इतना ही डाल के उसे हम 4 से 5 सीटी आने तक बॉयल कर लेंगे। ये देखिए, हमारा मटर बॉयल हो चुका है। अब हम आलू टिक्की बनाने की तैयारी करते हैं। टिक्किया के लिए हम 3 से 4 आलू लेंगे। उसे हम मैशर से अच्छे से मैश कर लेंगे और उसमें 2 चम्मच हम चावल का आटा मिलाएंगे, जिससे हमारा टिक्किया ज़्यादा कुरकुरा बनेगा। और उसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक लेंगे, नमक, थोड़ा सा कटा हुआ हरा मिर्च, हरा धनिया कटे हुए, हाफ चम्मच गोल मिर्च पाउडर। सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा लाल मिर्च पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं, उससे हमारा डो देखने में भी अच्छा लगेगा। हल्का सा हाथ में रिफाइन लेके उसे अच्छे से आटा के डो की तरह बना लीजिए। आलू टिक्की का मसाला तैयार हो गया है। अब हम हाथ में हल्का सा रिफाइन या तेल लेंगे, जिससे कि डो हमारे हाथ में चिपके ना, और उससे हम छोटे छोटे टिक्की का शेप देंगे। टिक्की आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं, जैसा आप चाहें। ये देखिए, हम छोटा छोटा टिक्की तैयार कर रहे हैं। इस तरह से राउंड करें, तरफ से घुमा घुमा के उसे टिक्की का शेप दें। इसी तरह से हम बाकी का भी टिक्की तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारे सभी टिक्की बन के तैयार हो चुके हैं। इसे अब हम सेलो फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए हम एक फ्राई पैन लेंगे और फ्राई पैन में हम 3 से 4 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो जाने के बाद हम अपने सभी टिक्कियों को उसमें रख लेंगे और गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे, क्योंकि हमने टिक्की में चावल के आटे मिलाए हैं। अगर हम उसे हाई फ्लेम पे करेंगे तो वो अच्छे से नहीं पकेंगे, अंदर कच्चे ही रह जाएंगे। इसीलिए गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें और उसे दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेक लें। ये देखिए, एक तरफ से हमारा हल्का हल्का हो चुका है। उसको हम पलट लेते हैं। इसी तरह से पलटते हुए हम दोनों तरफ से सेक लेंगे। ये देखिए, हमारी टिक्की तैयार हो चुकी है। अब हम उसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये देखिए, हमारे मटर भी तैयार हैं। अब हम उसी फ्राई पैन में 1 चम्मच तेल लेंगे और तेल में हल्का सा कटा हुआ प्याज डालेंगे, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। सभी मसालों को अच्छी तरह से भूंज लेंगे 30 से 35 सेकंड। इसी में हल्का सा कटा हुआ हरा मिर्च भी डाल देंगे। तीखा आप जैसा खाते हैं उस हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी में बॉयल किया हुआ मटर डाल देंगे 4-5 चम्मच। उसे हम मसालों के साथ अच्छे से भूनेंगे 1 से 2 मिनट।
ये देखिए अच्छे से भूनेंगे उसे हम मसाले के साथ। उसमें हल्का सा नमक भी डाल देंगे। चना में पहले भी हम नमक डाल चुके हैं इसलिए थोड़ा सा ही डालेंगे और उसे थोड़ा सा चम्मच से चलाते हुए मैश भी कर लेंगे। देखिए चना हमारा सूखा सूखा लग रहा है इसलिए उसमें हम हल्का पानी डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना पतला रखना चाहें या गाढ़ा रखना चाहें। छोले में एक बार उबाल आने देंगे। हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। उसके लिए हम एक प्लेट में पहले छोला डालेंगे, उसके ऊपर हम टिकिया रखेंगे, आप जैसा एक या दो टिकिया जितना रखना चाहें। फिर हल्का सा छोला उसके ऊपर और डाल देंगे। पर हम फेटा हुआ थोड़ा सा दही डालेंगे, थोड़ा सा इमली का चटनी डालेंगे, थोड़ी सी हरी चटनी डालेंगे, कटा हुआ प्याज डालेंगे, थोड़ा सा हरा मिर्च भी डालेंगे कटा हुआ, और चाट मसाला डालेंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। अब इसके ऊपर एक पापड़ी डाल दीजिए, चूर करके पापड़ी डाल देंगे। और हल्दीराम का अगर भजिया है तो भजिया भी डाल दीजिए। ये देखिए थोड़ा सा सेम हमने हल्दीराम का डाला है। और आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सॉस भी डाल सकते हैं। ये हमारी चाट तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसी लगी। अगर आप पहली बार ये चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।